हेलो एवरीवन, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल शिक्षक भर्ती 2023 परमानेंट पोस्ट की बात करने वाले हैं इस वीडियो में। काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है वो वैकेंसी आई हुई है, 10,391 पहले जो है फॉर्म फिल किए गए थे, आवेदन की प्रक्रिया दोबारा से स्टार्ट हो गई है। अंतिम तिथि जो है वो 19 अक्टूबर रखी गई है। तो यहाँ पर जैसे ही आप मेन वेबसाइट पर आते हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की, तो आप लोगों को सबसे पहले ये पेज जो है वो दिखाई देगा जहाँ पर लिखा है द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर ऑल पोस्ट फॉर ESSE 2023 हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 19 अक्टूबर 2023। 19 अक्टूबर तक जो है वो सभी पोस्ट के लिए डेट जो है वो बढ़ाई जाती है फॉर्म फिलअप की, क्योंकि आपको पता है कि पहले जो है वो केस कर दिया गया था उत्तराखंड के टीचर्स के द्वारा। अभी रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है। जिन स्टूडेंट का फॉर्म फिल नहीं हो पाया था किसी कारणवश, तो बिल्कुल फॉर्म भर लें। लास्ट डेट 19 अक्टूबर रहने वाली है। सभी पोस्ट के लिए भर सकते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT, हॉस्टल वार्डन, प्रिंसिपल, PGT, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। पिछले वीडियोज देखिएगा, आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएंगे जहां पर इनकी एलिजिबिलिटी और एज क्राइटेरिया, ये सारी चीज़ें जो है मैंने डिटेल में आप लोगों को बताई हैं। ऐसे स्टूडेंट जो कि CTET रिजल्ट की वजह से जो है फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे थे, तो उनको भी मौका मिल रहा है, अब वो आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब फॉर्म जो है वो बिल्कुल भर जाएंगे और ये भी तय है कि एग्ज़ाम की डेट भी आपके सामने होगी। तैयारी जोरों शोरों से आप करना स्टार्ट कर दें, एक पोस्ट आप लोगों को आपके नाम करनी ही होगी। जैसे ही PRT के नोटिफिकेशन आता है, बिल्कुल आप लोगों को चैनल के माध्यम से सूचना दी जाएगी, क्योंकि अभी PRT की वैकेंसी यहाँ पर नहीं आई है, केवल TGT और PGT की आई है। जो स्टूडेंट पूछ रहे थे कि फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो गई है, तो करेक्शन विंडो बिल्कुल ओपन होगा 19 अक्टूबर के बाद। जैसे ही ओपन होता है ये सूचना भी आप लोगों को चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो फॉर्म भरिएगा, लास्ट डेट 19 अक्टूबर है। करेक्शन विंडो जैसे ही ओपन होती है वो भी मैं आप लोगों को बिल्कुल बताऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को जो है सूचना जल्द से जल्द मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।